सामने बैठे हैं उनको बधाई दो कि उन्होंने ऐसी पुस्तक, उन्होंने तो बहुत शीघ्र प्रकाशित कर दी थी, इस कार्यक्रम में ही ईश्वर की इच्छा से विलंब होता रहा। बधाई इसलिए पहले दे रहा हूँ कि बाद में मैं देखा कि मैं यहाँ आया किस काम के लिए था, भूल गया, इसलिए पहले बधाई। और ये भी आप उनके जीवन की घटनाओं को जानते होंगे कि सबसे पहले राय पिता का देहांत हो गया, घर की स्थितियां बहुत खराब हो गई, कारण है यहाँ से वो इन्हें इतनी घटनाएं उनके जीवन में हैं। और रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु के पास गए तो मजे की बात ये है कि जब वहां गए तब ब्राह्मण समाज में जाया करते थे, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे, गुरु मान रहे हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को, उनके पास दक्षिणेश्वर में जाते हैं। 7 नवंबर 1985 से नजरगढ़ में रह रहा हूँ। आप लोगों के बीच मुझे अटूट प्रेम मिला है। हरियाणा में जन्म, कभी हम उनको देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं, हम इस काबिल तो नहीं थे। ये नमन, हमारा नमन स्वीकार करें डॉक्टर साहब और कोहली साहब के लिए। की यात्रा में कहां तक राम निवास भारती सफल हैं आपकी नजरों में? कहां तक कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको आप, हम जो कुछ कहते हैं हम शब्दों में ही कहते हैं, कोई अनुभूति हमको नहीं है, उनको अनुभूति है, उस चीज की अनुभव है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि मेरी तुलना में तो वो बहुत सफल है। लोग मुझसे बहुत पूछते हैं आपको कोई अनुभव, मुझे कोई दिव्य अनुभूति नहीं है, इसलिए शब्द का जादूगर है वो कर्म के जादूगर। दो शब्द में विवेकानंद जी की प्रेरणा आपके हृदय में? दो शब्दों में कहीं प्रेरणा हो सकती है? दो शब्द में नहीं कह सकता, नहीं कह सकते, वरना ही है, दो शब्दों में नहीं होता, ये वकील की तरह मत पूछिए। अध्यात्म साधना एक बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन मैंने भी इनकी विवेक भारती की किताबें पढ़ी है, जिस रूप में सहज रूप से एक ऊंचाई की ओर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहूँगा कि उनकी साधना नहीं, वो तो तपस्या है, साधना से ऊपर जाके तपस्या, जब आदमी तपता है, साधना मतलब सारे साधन एकत्रित करना और तपस्या मतलब स्वयं को तपाना, उस रूप वो बहुत कठिन काम है, उन्होंने किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों से कहा कि तपस्या मत करना, शरीर को गला देती है, तो उन्होंने कहा वाह, स्वयं तो आप साधना तपस्या करते रहे और हमको मना कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी का जीवन जो 39 वर्ष 40 के पूरे नहीं हुए, वो जो डायबिटीज से गए, तो उसके पीछे भी उनकी तपस्या थी। तपस्या वो है जो आप अपने आप को होम देते हैं, तो रामनिवास ने तपस्या की। वाकई ये किताब जो है आज के परिवेश में सही अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मैं यही समझता हूँ, मैंने यही कहने की कोशिश की है कि उसमें आडंबर नहीं है, उसमें दिखावा नहीं है, उसमें कहीं भी किसी तरह का धोखा नहीं है, जो कुछ कहा गया बिल्कुल सरल सीधे शब्दों में साफ साफ कि ये मेरे साथ हुआ, ये आपको बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। धन्यवाद के सामने।